अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और हम चले हैं अभी थोड़ा घूमने। असल में पेपर था आज मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश का, पेपर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद हम ऑफिस आए और अब मैं और सहेब भाई जाएंगे थोड़ा घूमने कहीं। अभी चले हैं गट रोड के लिए क्योंकि हमने थोड़ा सा व्लॉग करना और नालवा में बहुत अच्छी अच्छी जगहें, खूबसूरत जगहें, पत्थर है बहुत सारे, हम जाएंगे वहाँ, वहाँ देखेंगे हम कुछ। If I did something right, don't praise me for it, don't praise me for it. Cause I did a thousand things wrong, did it behind the scenes. I'm not scared to show you my flaws, but don't publicize your sins, don't publicize your sins. Yeah, if I did something right, don't praise me for it, praise me for it, don't, no, no. Some are watching because they love you, waiting for you to fall to take a picture of you. Of you. Sometimes they say, Mashallah, you're the best. I love the things that you do. तो हम चल रहे थे, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ठंड है बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा अब स्कूटी हम इधर लगा देंगे और हम इस रास्ते से जाएंगे ऊपर नालों वाले रास्ते से। Let my kids watch you, them never watch Scooby-Doo. They'll idealize you, but when the team gets spilled about you, they'll be the first to push you off the pedestal. They've been waiting for so long, so long. ये अपना सामने जो है ये शिवा दिख रहा है और ये है नगरी, a beautiful view of नगरी। और जो सामने दिखने वाला है वो है हमारा गढ़ आरनोड़ा। एक मिनट रुकना ज़रा, ये है हमारा गढ़ और मेडिकल कॉलेज उधर, और नीचे जो रोड दिख रही है यह प्रेमनगर रोड। यहाँ पे अभी जैम लगा है क्योंकि काम चल रहा है रोड का। Did it behind the scenes, behind the scenes. I'm not scared to show you my flaws. Brother, और ये हमारा नालवा, यहाँ पे वो पत्थर जो आपको नीचे दिख रहा है वहाँ पे लोग, कुछ लोग आते हैं, कुछ राइटर्स जो है बैठ के यहाँ पे, कुछ राइटर्स जो है यहाँ पे अकेले अकेले बैठ के लिखते हैं, और कुछ लिखना होता है उन्होंने तो। और जो नीचे हैं वहाँ पे शेर भी होते हैं, ये भी ये दूसरी बात। तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, मतलब आपको पता है माउंटेंस रखे हैं अल्लाह ताला ने स्टेबिलिटी के लिए, है ना, यू नो जैसे पेग्स होते हैं ना, दिस इज द आयत ऑफ कुरान कि पेग्स की तरह माउंटेन, अल्लाह ने क्रिएट किया माउंटेन एज पेग्स, और जो अर्थ है इसको बैलेंस करने के लिए जिनसे इंसान टिकाता है ना उसको, टेंट को, तो उसी तरीके से if I did something right, don't praise me for it, praise me for it, don't, no, no. I see masks everywhere, but don't wanna be part of that. Wanna show you who I am, but you won't. पीछे आ गए नालवा में, यहाँ बहुत खूबसूरत है ऊपर, हम असल में यहीं जाने वाले हैं ऊपर, कुछ मैंने सुना है गुफाएं जैसी है, तो हम जाएंगे देखेंगे ज़रा क्या क्या है। और गुफाएं मैंने सुना है, पता नहीं, देखा नहीं, मैंने सुना है सिर्फ, इससे यही बड़े बड़े पत्थर है, इन्हीं के नीचे होगी कहीं जगह, उन्हीं को बोला गया होगा गुफा, नहीं जैसे कि नीचे है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जो है ना नीचे। अस्सलामुअलैकुम, क्या क्या नाम है आपका? रिजवान।
इधर से कहीं गुफाएं गुफाएं इधर से कहीं है गुफा है तो नहीं कुछ इनके अंदर चलते हैं इनके अंदर से चलिए शुक्रिया ये रिजवान उसके अंदर से रास्ता है शायद उधर से इधर जो ये मकान है उधर से आते हैं इधर से निकलते अच्छा चल ये छोटी इस पे जाएगा ही नहीं इधर ऊपर जाओ उधर किधर जैसे ऊपर बहुत ही बड़ा मगर उधर शेर भी होता है नहीं फिर नहीं जाएंगे हम चलते थोड़ा ये नया घर बन रहा किसी का बहुत खूबसूरत और इस जगह कितना सुकून आएगा आ रहा मतलब जो इधर रहेगा अकेला है साइड में पेड़ है बहुत सारे और बस भाई को ठंड लग रही है आपको आज बुखार वगैरह तो नहीं है ठंड मुझे तो नहीं लग रही तो मैं चलता हूँ ऊपर के लिए सहबाई को बड़ी ठंड लग रही है सहबाई को बड़ी ठंड लग रही है जब हम निकले थे यहाँ के लिए तो ये पहले घर गए थे ऊपर से आता हूँ मैं जब हम यहाँ के लिए निकले थे तो सहबाई गए थे पहले जैकेट लगाने सॉक्स लगाने शूज लगाने इनको बड़ी ठंड लग रही थी पहले से ही मैं आपको इधर एक चीज़ दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पूल बना हुआ है शायद यहाँ पे घर बन रहा है इसके लिए यहाँ से पानी लेते होंगे आई थिंक ये हो सकता है ऐसा शायद पीने के लिए नहीं होगा ये और यहाँ पे प्लान है छोटे छोटे खेत जैसे मगर इनमें कोई कुछ लगाता नहीं है तो ऊपर चलेंगे हम यहाँ पे बहुत सारी भेड़े हैं यहाँ पे अंकल भी हम इनसे देखते हैं बात करके सीधा अस्सलाम वालेकुम बस ठीक तू ठीक तेरन छुआ अच्छा कैसे तीर छु कैसे तीर छु बस ही नहीं छ हिमाई छ सुभान अल्लाह ब्रदर ब्रदर हाई फाई आपको छोटे छोटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर है ये देखिए एक ये है और ये हम चलेंगे यहाँ के लिए ने देखेंगे कुछ होगा अंदर से शेर नहीं होना चाहिए बस बाकी सब ठीक है नीचे यहाँ पे है कुछ ऐसा व्यू अरे यहाँ से कोई गिरा तो बहुत मुश्किल होगा और यहाँ पे भी ये जो है यहाँ पे कुछ छोटे बच्चों ने यहाँ पे खेला हुआ है ऐसे हम भी बचपन में किया करते थे अल्लाह अकबर मैं भी यहाँ पे अकेला हूँ सहेब भी नीचे रह गया ये कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे और यहाँ पीछे बहुत खूबसूरत है किधर छोटू डरा रहा है वहां से बोल रहा है वहां पे शेर भी आओ इधर छोटू तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा पत्थर है बैठने के लिए आगे तक है बहुत लंबा हम बैठेंगे इस पे और पेड़ भी है साथ साथ में सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आके पीछे से भी बहुत बड़ा पत्थर है सामने से तो भारी है यहाँ पे पर गांव भी है छोटा सा गांव यहाँ पे कुछ घर है यहाँ पे ये देखिए तो हम वापस आ गए ऊपर से छोटू मेरे साथ था इतने टाइम तो सहेब भाई वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं तो मैं अब इधर से उतरता हूँ नीचे यहाँ से दूसरा रास्ता है नीचे उतरने के लिए हम गुफा भी देखेंगे बोल रहे हैं छोटू इधर से गुफा छोटी सी बहुत बड़ी यहाँ से मुश्किल भी है देखिए गुफा यहाँ पे आराम से कि आदमी रह सकता है अगर कभी भी
रहना चाहिए, तो यह है नीचे, यहाँ से मुश्किल है। अगर यहाँ पे स्लिप हुई तो हम नीचे गिर सकते हैं। देखिए फोटो चल रहा है आगे आगे, हम भी पीछे पीछे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए नीचे रास्ते पे। हमारे गाइड है आज के रिजवान, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे और खेल रहे हैं। अब अजान भी हो गई, हम चले वापस डोडा, यहाँ जाना हमने, यहाँ जैसे कहाँ गया घर हमारा, ये साथ में जगह, तो हम जा रहे हैं वापस। तो मैं उतरूँगा यहाँ से नीचे, यहाँ से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है नीचे उतरने, इधर से उतरूँगा मैं इस जगह से, तो चलते चलते बात करेंगे इधर से। सोहेब भाई गए स्कूटी लाने, तो ये आएंगे मुझे नीचे वाले रोड पे लेने, तो मैं इधर से उतर। हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, यहाँ से बड़ी मिट्टी जो है बहुत स्लिपरी है, और यहाँ हम थोड़ा भी गिरे तो हम वहाँ नीचे पूरा पहुँच सकते हैं, तो बहुत केयरफुली उतरना है यहाँ से, बिल्कुल कदम देख देख के मारना है, बिल्कुल देख देख के उतरना है। तो यही एग्जाम्पल है हमें दुनिया में रहने की, अगर हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमें देख देख के चलना है, हमें कदम फूंक फूंक के मारने, तो एक एक कदम देख देख के मारना है हमने, बिल्कुल केयरफुली चलना है, और जो डिसीजंस है अपनी ज़िंदगी के वो भी ऐसे केयरफुली लेने, तो और अल्लाह से मदद तलब करनी है, बिल्कुल देख के चलना है। ये जो है कुछ एग्जांपल्स ऐसे चलने की, जैसे ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, मगर अगर हम इनको समझे बहुत गहरी है, कि मतलब हम जैसे खतरों में चलते हैं, अगर कोई रास्ता है, कोई कांटेदार रास्ता है, जैसे हम कांटेदार रास्ते पे बच बच के चलते हैं, वैसे ही हमें इस दुनिया में भी चलना चाहिए, बिल्कुल देख देख के। अगर हम केयरलेस हो जाते हैं, अगर हम डिसीजन केयरलेसली लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, और हमें गुनाहों से बचना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, और अल्लाह से मदद तलब करनी है, तो अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए। तो अब मिलते हैं हम नीचे रोड पे जाके मिलते हैं हम नीचे, तो तब तक सोहेब भी आ रहे हैं वहाँ से, तो यहाँ से मैं आया ऊपर से, बड़ा मुश्किल हुआ, तो मिलते हैं नीचे हम, सोहेब आ रहे हैं आराम आराम से। कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया, बच बच के चले आप, लेकिन यहाँ से बराबर पहुँच गए थे यहाँ रास्ते से, है ना? नहीं, मैं ऊपर रुका था, उधर से पत्थर छूट गया था मेरे पाँव के नीचे से, यहाँ से बाइक वाले आ रहे थे, तो बस मुझे वही टेंशन हो गई थी, अब बड़ा पत्थर था, मगर वो इधर जैसे रुक गया था ऊपर। बैक टू डोरा, हम चले वापस। लगी तो नहीं आपको? मुझे नहीं लगी, किसी को नहीं लगी। चलते हैं वापस अब। अल्लाह हाफिज़।